जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। आप करेंगे क्या? मैंने पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। फर्स्ट थॉट तो ये था कि जो है मतलब इंस्टिंक्ट हुआ कि हाँ इसे करना चाहिए। फिर जब बातचीत करी, इन्हें थोड़ा जाना पहले क्या किया है, तो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे बातचीत बहुत अच्छे लगते हैं जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया हो, और बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है। उसके बाद वो गट फीलिंग थी, इंस्टिंक्ट था, दैट्स ऑल। उससे मैंने हाँ कर मतलब स्लाइस ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का हिस्सा है आप, तो उसमें रिलेशनशिप है दो लोगों की, आपस में कैसे हैंडल करते हैं वो, कैसे मतलब आपके काफ़ी बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ा, क्योंकि 50 के ऊपर की एज थी उनकी, तो ये इमेजिन करना पड़ा ज़िंदगी कैसी बीती हुई उनकी। ये सब करने के बाद में कहीं जाकर आपके मतलब आप ढल पाते हैं इसमें, तो ये इमेजिन करना पड़ा, मतलब पास्ट लाइफ इमेजिन करनी पड़ी, पास्ट लाइफ का बैकग्राउंड बनाना पड़ा, उसके बाद फिर कहीं जाकर अच्छा अच्छा लगा। अरे एक्टर अलका तो बहुत बड़े एक्ट्रेस है, बहुत ही बड़े एक्ट्रेस है वो, तो मतलब शीज़ मतलब फाइनेस्ट एक्ट्रेस एड एवर वर्क, तो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है। फिर मेरा उसके साथ बहुत पुराना है, NSD में मैं 86 के पास आउट हूँ, वो 89 के पास आउट है, तो हम लोग जो है मतलब उस वक्त बहुत अट्रैक्ट किया करते थे आपस में, तो इसलिए जो है मतलब अलका के साथ काम करना तो बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा, बहुत बढ़िया बात है ना। बड़े कॉन्टेंट को, बड़े बड़े मैसेज को, बड़े कॉन्टेंट को बहुत छोटे वक्त में भूल देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये इसमें और मुश्किल काफ़ी मुश्किल माध्यम है शॉर्ट फिल्म जो है, मतलब इसमें आपको टाइम नहीं मिलता, आप कब अपने प्लॉट को एक्सप्लोर करें, आप कब उसको एक्सप्लॉइट करें, कब उसको स्टैब्लिश करें, कब उसको आजमाएं, कब उसको समअप करें, ये सबका जो है बड़ी फिल्म में आपको मौका मिल जाता है कि आपकी 1.5 घंटे की फिल्म है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें आपको वो सब मौका नहीं मिलता, तो इसलिए इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द एक्टर्स एंड फॉर द डायरेक्टर, पर्टिकुलरली फॉर द डायरेक्टर जो है इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो इसलिए जो है वो प्रेम सिंह को जूझना पड़ा इस चीज़ से, हमको भी काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि इसके पहले की जिंदगी, इनकी बहुत सारी जिंदगी बीत चुकी है, उसको इमेजिन करना पड़ा, इमेजिन करने के बाद उसे परफॉर्म करना पड़ा, तो इसलिए जो है इट वॉज डेफिनेटली चैलेंजिंग। मैसेज ये कि जो ज़िंदगी में आपके मतलब ये अड़चने आती रहती हैं, ये 50 के बाद में एक वैराग्य भाव उत्पन्न होता है कि आपस में हम क्यों रह रहे हैं, लेकिन तब तक ज़िंदगी इतनी बंध चुकी होती है कि आपको एडजस्ट करना, मतलब मैरिज जो एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम, शादीशुदा ज़िंदगी जो है एक एडजस्टमेंट का दूसरा नाम, आप लाख लड़ने झगड़ने लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर से आप इतने एक दूसरे के हो चुके होते हैं कि उसमें आपके छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातों का होना ना होना बेबुनियाद होता है, तो आप इवेंचुअली जो है आपके मतलब प्रेम का की अंतिम परिभाषा एक है कि सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम प्रेम वो प्रेमी वो है जो आपके साथ में बूढ़ा होने के लिए तैयार है। तो हम ये तय कर चुके हैं दोनों बंदे के एक दूसरे के साथ में बूढ़ा और बूढ़ी होने के तैयार हैं, तो उसके बाद ये संबंध अमूर्त तरीके जाकर संबंध अच्छा है। बचपन से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा हुआ हूँ, तो वो एक हल्का सा था कि मतलब इस एज में मतलब जो एक लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन अंदर भी प्यार भी होता है, तो उस प्यार को मैं शायद दिखा पाऊँ, तो ये कोशिश थी। उनसे मुलाकात हुई, हम लोग मिले, उसने मुझे अपना कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद में मुझे कहानी अच्छी लगी और जिस तरह से वो उसको विजुलाइज कर रहा था तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फिर हाँ कह दिया। चैलेंजिंग तो उस तरह से आप कहें तो सारे ही रोल्स होते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं वो चैलेंजिंग लगता है, आपके लिए नया होता है क्योंकि डिफरेंट होता है। स्लाइस ऑफ लाइफ है डेफिनेटली ये भी, और एक अच्छा किरदार है, और एक बहुत छोटे से वक्फे में हम एक बड़ी बात कह रहा है ये किरदार, या दो किरदार एक बड़ी बात। एक्टर हैं, इंसान हैं, तो कोई बात ही नहीं, आपको एकदम एट ईज फील कराते हैं, कभी महसूस ही नहीं होने देते कि वो आपसे थोड़े सीनियर हैं या वे जूनियर हैं। इट्स वन प्लेटफॉर्म टू।
डिजिटल मीडिया आजकल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है और इसके बहाने अच्छे अच्छे कंटेंट हमारे सामने बाहर आ रहे हैं और लोग जो कि बड़ी बजट की फिल्म्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या बना सकते हैं वो उस प्यारे से कंटेंट को एक छोटे से उसमें स्क्वीजिंग करके बनाने की कोशिश करें, विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक। शॉर्ट फिल्म है और क्या होता है कि आजकल टाइम कम होता जा रहा है लोगों के पास, तो एक शॉर्ट फिल्म एक वैसा रोल प्ले करता है कि अगर कोई ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहा है, बस में भी ट्रैवल कर रहा है, तो फ़ोन पे भी वो सारी उस शॉर्ट कंटेंट को देख सकता है, तो हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि हमें कम टाइम में कम पैसों में ये अपनी बात कहने को मिलती है। टाइम पे डिपेंड करता है और क्या आपके दिमाग में चल रहा है उस टाइम, उस पे डिपेंड करता है। मतलब कहने के लिए जो जो सबसे बड़ा जो एक बेसिक इमोशन है जो लव है, वो मैं वो हमेशा कैरी करना चाहता हूँ कि उससे लोग और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और उसमें आप बहुत बातें कह सकते हैं। तो शॉर्ट फिल्म ही एक अपने आप में मैसेज है, तो लोग देखें और लोगों को शेयर करें। सेकेंड शॉर्ट फिल्म है, इससे पहले मैंने डायरेक्ट करी थी, और जो मुझे लगता है ना कि ये शॉर्ट फिल्म बहुत दिल से बनाई है। एंड अगर शॉर्ट फिल्म की बात करें तो बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है जहाँ पे हम एक ओल्ड कपल की बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक ना फिल्म ऐसी है जिससे फिल्म है एक ओल्ड कपल के ऊपर, बट सब लोग रिलेट कर सकते हैं। आई थिंक मैरिड कपल जितने भी, आई थिंक आफ्टर टू ईयर्स ऑफ मैरिज यू कैन रिलेट कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कोई बड़ी चीज़ों को लेकर नहीं होते, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। आपने फिल्म के अंदर भी देखा कि कौन लेफ्ट चलेगा, कौन राइट चलेगा, कौन फ्रिज में बिस्किट रखेगा, बहुत छोटे से माइनर कॉन्फ्लिक्ट हैं, बट कभी कभी ना वो कॉन्फ्लिक्ट से दरारें क्रिएट हो जाती हैं रिलेशनशिप में। उन दरारों का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर प्यार कम हो गया, कई बार आप प्यार को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है। तो ये फिल्म उसी के बारे में जहाँ पे आप कई बार शायद अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाते, बट प्यार है। आपको कभी कभी लगने लगता है कि शायद दिस इज़ द एंड ऑफ इट, बट देर इज़ नो एंड टू इट। आप कुछ इतना टाइम किसी के साथ स्पेंड करने के बाद आप अलग नहीं हो पाते हैं। प्यार हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में दबा होता है, बट प्यार रहता है। एंड कुछ मोमेंट्स आते हैं फिर आपकी लाइफ में जो आपको रियलाइज़ करवा देते हैं कि यू स्टिल नीड दैट पर्सन। डिजिटल मीडिया के आने के बाद से ही हमको भी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम शॉर्ट फिल्म्स बना पा रहे हैं। कुछ कहानियाँ हैं जो आप फुल लेंथ फीचर फिल्म में नहीं बना सकते, कुछ बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसके ऊपर लोग पैसा नहीं लगा पाएंगे, बहुत सारी कहानियाँ जिनके आपको बताया कि देर इज़ नो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डिजिटल मीडिया आने के बाद ना आपके एवेन्यूज़ बहुत सारे खुल गए हैं, आपको बताया कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी प्रोडक्ट। आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, आपके पास अच्छे लोग हैं काम करने के लिए फिल्म के साथ, आप अपनी ऑनेस्टी के साथ फिल्म बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको ऑडियंस मिलेगा। तो डिजिटल से आपके पास ये है कि आपके पास रास्ते और खुल गए हैं, आपके पास ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे वेज मिल गए, नज़रिए बन गए। और शॉर्ट फिल्म शूट करी है नेहा शर्मा, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, वो भी 2-3 महीने में आ जाएगी। देन देयर आर कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स हैपनिंग। एंड ना मुझे लगता है कि कई बार ना हम ये सोच के नहीं बनाते कि हमको क्या बनाना है, कई बार कुछ चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। आप कहीं चल रहे होते हैं, आप कुछ देखते हैं, आपको लगता है कि आई थिंक दिस इज़ अ स्टोरी विच यू वॉन्ट टू टेल टू पीपल। तो बहुत प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। लास्ट शॉर्ट फिल्म को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनके ज़रिए हमको बहुत सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक रीच मिल जाता है, एक ऑडियंस मिल जाता है। अदरवाइज़ बहुत डिफिकल्ट आज के टाइम, फिल्म बनाना फिर भी काफ़ी आसान है बट लोगों तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू लास्ट शॉर्ट फिल्म्स कि उनके थ्रू हम पहुँच पाते हैं लोगों के पास। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।